चलिए अब आपको दिन की बड़ी खबरें बताते हैं। पासपोर्ट विवाद में ट्रोल का शिकार हुई सुषमा स्वराज ने ट्रोलर्स को जवाब दिया है। ट्रोलर्स को जवाब देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा, लोकतंत्र में मत भिन्नता स्वाभाविक है, आलोचना अवश्य करो लेकिन अभद्र भाषा में नहीं। सब भाषा में की गई आलोचना ज्यादा असरदार होती है। उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कवि नीरज की एक कविता भी पोस्ट की, निर्माण घृणा से नहीं प्यार से होता है, सुख शांति खड़क पर नहीं फूल पर चलते हैं, आदमी देह से नहीं नेह से जीता है, बम्बों से नहीं बोल से वज्र पिघलते हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर एक ओपिनियन पोल भी शुरू किया है। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों से पूछा है कि क्या वो इस तरह के ट्रोलिंग को मंजूरी देते हैं। इसमें ज्यादातर लोगों ने सुषमा स्वराज का समर्थन किया है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सुषमा की आलोचना की है। दरअसल तन्वी सेठ उर्फ सादिया के पासपोर्ट मामले को लेकर सुषमा कई दिनों से ट्रोलर्स के निशाने पर हैं, लेकिन ये मामला तब और गर्म हो गया जब सुषमा स्वराज के पति ने एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें लिखा गया था कि सुषमा स्वराज जब घर पर आएं तो उनकी पिटाई करें और उन्हें मुस्लिम तुष्टिकरण न करने की बात सिखाएं।